नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 18/12/2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। चंद्रमा और राहु वृषभ राशि में, मंगल और केतु वृश्चिक राशि, सूर्य और बुध धनु राशि में, शुक्र और शनि मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर में बने हुए हैं। ग्रहों की स्थिति मध्यम कही जाएगी। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, आर्थिक क्षति का समय दिख रहा है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। किसी भी तरीके का जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा, मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। अपने कुटुंबों से कोई किसी तरीके की बड़ी उलझन में मत पड़िएगा, परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति सुधर चुकी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करीब करीब सही चल रहा है। काली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, उधर रोग से परेशान हो सकते हैं, ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ी निगेटिविटी बनी हुई दिख रही है, प्रेम और व्यापार आपका सही चलता रहे। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अनदेखी करें, आई हुई बातों को भी थोड़े समय के लिए कुछ छोड़ दीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक, लेकिन नेत्र विकार या सर दर्द से परेशान हो सकते हैं, प्रेम व्यापार आपका सही चल रहा है। हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि, कर्क राशि को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कुछ खराब समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों के सेहत पर ध्यान दें। आय चलता रहेगा, आय का मार्ग ठीक है, लेकिन गलत मार्ग हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपका समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, एग्रेशन पे भी काबू रखिए, व्यापार करीब करीब ठीक चलेगा। बजरंग बली को प्रणाम करें, काली वस्तु का दान करें। सिंह राशि, पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, आपको भी सीने में विकार संभव है, कोर्ट कचहरी में हार का सामना करना पड़ सकता है, व्यवसायिक स्तर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति सही है, व्यापार मध्यम कहा जाएगा, काली वस्तु का दान करें। कन्या राशि, यात्रा में कष्ट हो सकता है, कार्यों में बाधा आ सकती है, विघ्न बाधा, मन धर्म कर्म में उबा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम और व्यापार सही चलेगा। हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, बहुत बच के पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तेज वाहन ना चलाएं, कोई रिस्क ना लें, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति एक खोज की तरफ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं, मन चारों तरफ परेशान है, नए पुराने सब कुछ सोच रहा है, व्यापार आपका ठीक चल रहा है, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नए रोजगार की भी जरूरत नहीं, अभी शुरुआत ना करें, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम और व्यापार करीब करीब ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क मत लीजिएगा, काली वस्तु का दान करें। धनु राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग है, रौब और रुआब चलता रहेगा, पॉलिटिकल साथ रहेगा, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, बट स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा मध्यम कहा जाएगा, प्रेम व्यापार सही चलता रहेगा, काली वस्तु का दान करें। मकर राशि, बच्चों के सेहत पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लें, मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार सही चलता रहेगा, काली जी को प्रणाम करते रहें। कुंभ राशि, घरेलू विवाद को बहुत कूल होकर निपटाएं, भूम भवन वाहन की खरीदारी अभी रोक दें, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम की स्थिति काफी बेहतर, व्यापार भी सही चलेगा, सूर्य को जल देते रहें। मीन राशि, पराक्रम रंग लाएगा, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से किसी खराब व्यक्ति को शामिल मत करिएगा, रास्ते खराब ना हो, अदरवाइज फंसेंगे, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम मध्यम रहेगा, व्यापार ठीक रहेगा, काली वस्तु का दान करें। नमस्कार।